दी अनफिल्टर्ड लाइफ ऑफ स्वयं. और पिछले वाले वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा होगा अबाउट अवर गणपति सेलिब्रेशन एट होम. और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हम लोग रेडी होके गणपति पप्पा के लिए लंच बनाने वाले हैं. इमोशनल काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि मैं बचपन से दादी और मम्मी को देखती आई हूँ, वो लोग भोग बनाते हैं और इतने सारे नियम वगैरह मान के करते हैं. और मुझे हमेशा ये लगता था कि यार आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट, क्योंकि पता नहीं मुझे इतना नियम कानून पता भी होगा कि नहीं, मालूम भी होगा कि नहीं, तो मैं हमेशा डरती थी. पर इस बार आई डोंट नो वाई आई हैव दिस फीलिंग कि यार जितना हो सके ना मैं उतना करूँगी. सब कुछ करने के चक्कर में जितना आता है उसको भी भूल जाने से अच्छा है जितना आता है उतना तो करूँ. पर उससे पहले तैयार हो जाते हैं क्योंकि पूजा करेंगे, उसके बाद लंच बनाएंगे. मुझे लगा कि सिंस आई एम डूइंग इट फॉर लाइक फर्स्ट टाइम, वैसे मैं चतुर्थी के दिन मैंने खिचड़ी भोग बनाया था बट ऐसे फुल कोर्स मील नहीं बनाई हूँ. मुझे लगा अगर ये बना ही रही हूँ मैं तो क्यों ना इसको डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि आप लोग भी देख पाओ और मुझे भी बाद में ये देख के मोटिवेशन आए और मैं फिर से करूँ. पहले मेरा ये जो छोटे छोटे बाल है ना इसको बना लेते हैं, क्योंकि बाल काटने में तो बहुत मज़ा आया था. बाल उन लोगों ने सेट करके दिया था तब तो और मज़ा आया था. फिर घर आके बाल धोने के बाद स्टोरी कुछ अलग ही है. मैं यूजुअली ये जो स्ट्रेटनर है ना इसी से, मेरा बाल थोड़ा वेवी टाइप का है तो मैं स्ट्रेटनर से ही थोड़ा सा स्ट्रेट एंड कर्ली टाइप का कर लेती हूँ. एंड दैट गोज ऑन फॉर लाइक 3 days, क्योंकि मेरा वेवी हेयर है तो वो टेक्स्चर पकड़ लेता है. ऑलरेडी देखो कैसे कर्ली कर्ली सा हो रहा है. और क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी थोड़े वेवी वेवी से है ना, इसके वजह से मेरे बाल और छोटे लगते हैं. होंगे कि नहीं वो तो नहीं पता, पर नहीं ये अच्छा नहीं. तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, मैं 7 years महाराष्ट्र में रही हूँ, तो 2017 से लेके लास्ट ईयर तक. और महाराष्ट्र में गणेश पूजा बहुत फेमस है. इट्स नॉट जस्ट लाइक अ पूजा फॉर महाराष्ट्रियंस, इट्स लाइक एन इमोशन. और वो इमोशन आप किसी भी चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. दे आर लाइक सो हैप्पी ड्यूरिंग गणेश पूजा. और नॉट जस्ट महाराष्ट्रियंस, अगर आप बाहर से भी गए हो ना, जैसे मैं बाहर से गई थी महाराष्ट्र में, दैट इमोशन यू कैन लिटरली फील इट. यू विल फील दैट इमोशन इन योर हार्ट एंड इट विल वाइब्रेट. ऑब्वियसली अगर आपको कभी मौका मिले तो महाराष्ट्र ज़रूर जाना गणेश पूजा देखने के लिए. जैसे दुर्गा पूजा का एक अलग इमोशन है वेस्ट बंगाल में, वैसे गणेश पूजा का एक अलग इमोशन है महाराष्ट्र में. और स्पेशली ये टाइम लाइक दिस ईयर स्पेशली आई एम मिसिंग पुणे सो मच, क्योंकि गणेश पूजा में हम लोग इतना मज़ा करते थे. और सुबह से लेके रात तक आपको ढोल ताशे सुनाई देगा. सोसाइटीज़ में पूजा होता है, इधर भी होता है, बैंगलोर में भी होता है, बट वहाँ का जो इमोशंस है, वाइब्रेशंस है, वो बहुत डिफरेंट है. इफ़ एनी ऑफ माई व्यूअर्स वो आर वॉचिंग नाउ इज फ्रॉम महाराष्ट्र और हैव स्टेड देयर एंड हैव विटनेस्ड गणेश पूजा, दे कैन बैक मी अप. अलग ही इमोशंस होते हैं. तो गणपति हम लोग अपने घर पे हर साल रखते हैं, लाइक शादी के बाद से तो हर साल ही रखते हैं, बट कभी भी पूरे 10 दिन का नहीं रखा है. हम लोग 1.5 दिन या 3 दिन करते थे, क्योंकि मोस्टली हम लोग का ऐसे प्रेप वगैरह रहता था, कॉम्पिटिशन रहता था, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था हम दोनों के लिए करने का. बट इस बार क्योंकि हम लोग का प्रेप वगैरह कुछ नहीं है, तो वी थॉट इस बार हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. और बिकॉज हम दोनों इतना मिस करते हैं पुणे को, तो हमें लगा कि अगर गणपति रखेंगे घर पे पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे तो थोड़ा होम सिकनेस कम होगा, प्लस द वाइब्रेशंस, द एनर्जी दैट यू गेट ड्यूरिंग गणेश पूजा इज आई कांट एक्सप्लेन दैट. गणेश पूजा के टाइम में मोस्टली सबके घर में गणपति होता है, गणपति रखते हैं सब लोग वहाँ पे, और सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं दर्शन करने, आरती करने. आप किसी को जानते भी नहीं हो ना, फिर भी आप उनके घर में जा सकते हो गणपति देखने के लिए. कोई आपको ऐसे जज नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज बप्पा तो सबके लिए आता है. आई लिटरली फील दैट. और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब सोसाइटीज़ वगैरह में होता है ना गणपति, तो आप ऐसे मूर्ति वगैरह लेने जाते हो साथ में, ऐसे ढोल ताशे बजाते हुए, अलग ही माहौल होता है. ये 10 दिन हम लोग घर पे वेज खाना खाएंगे, खा रहे हैं ऑलरेडी. नो ऑनियन, नो गार्लिक, सादा खाना. और जो भी खाना खाएंगे आई एम ट्राइंग कि पहले उसका हम भोग चढ़ाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे. बैंगलोर में भी बहुत जगह बहुत बड़े बड़े पंडाल लगता है, गणेश जी का पूजा रहता है,
और कल हम लोग इंदिरा नगर साइड गए थे, वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे पूजा मंडप देखे, अच्छा लगता है देख के। और आप लोगों से ये सब बात करते हुए मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ कि पता ही नहीं चला कि कब बड़े हो गए। मैंने बहुत ज़्यादा, जब आप घर से दूर रहते हो ना, स्पेशली ऐसे फेस्टिवल टाइम पे, घर की बहुत याद आती है, मम्मी पापा भाई बहन सबकी बहुत याद आती है। काश यार हर फेस्टिवल में मम्मी पापा साथ में होते। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में हसल करते करते हम लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर जाते हैं। पुलाव बनाओ और पनीर का एक सब्जी और कुछ फ्राइड में बनाएंगे, जैसे आलू फ्राई और समथिंग, और फिर मीठे में कुछ बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या चाहिए तुमको?